सीन सिटी एपिसोड 221 से लेकर 225 तक। रिचर्ड अपने युद्ध के घोड़े से कूदकर काले शूरवीर के शव के पास पहुंचा। उसने आधे सड़े हुए पहरेदारों को लात मारकर दूर कर दिया और घुटनों के बल बैठकर उसे अपना चेहरा दिखाने लगा। उस आदमी का असभ्य चेहरा एक बर्बर व्यक्ति जैसा था, जो अभी भी अपनी मृत्यु से पहले के चेहरे पर मौजूद क्रोध से भरा हुआ था। उसके बाल एक सैनिक की तरह बड़े करीने से कटे हुए थे, जो इस दुनिया के ज्यादातर शक्तिशाली लोगों की अव्यवस्थित शैली से अलग था। वह ज्यादातर इंसान ही था, लेकिन कुछ खासियतों से यह स्पष्ट था कि उसमें दूसरी जातियों का खून भी था। चाहे वह ताकत हो, सहन शक्ति हो या ऊर्जा, ये स्पष्ट था कि वह शीर्ष पायदान पर था। प्रेसिजन और रिचर्ड की अपनी कलात्मक अंतर्ज्ञान उसे कुछ बहुत ही अजीब जानकारी भेज रही थी। रक्त रेखाओं के इस मिश्रण ने वास्तव में आदमी की क्षमता को अधिकतम कर दिया और इस प्रक्रिया को ही सही माना जा सकता है। इसने उसे डीप ब्लू में रिकॉर्ड के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया कि मिश्रित रक्त की नस्ल को कैसे गढ़ा जाए। उसके सामने यह व्यक्ति ऐसी ही विधियों का फल लग रहा था। युद्ध के निशानों से यह स्पष्ट था कि वह लगभग 15 स्तर का था, लेकिन चाहे उसका कवच हो या उसका हथियार, वे सभी मानक मुद्दे थे। युद्ध के मैदान के बाकी हिस्सों से भी संकेत मिलता है कि वह अपनी टीम में एक साधारण शूरवीर से अधिक कुछ नहीं था। स्तर 15 शूरवीरों से किस तरह की टीम बनी थी? यहां तक कि नॉर्लैंड में भी ऐसी टीम एक शक्तिशाली परिवार की कुलीन सेना होगी, जो रून नाइट प्लाटून के बाद दूसरे स्थान पर होगी। रिचर्ड खड़ा हुआ और उसने अपने हाथ हिलाकर 10 रेगिस्तानी लोगों को आने का इशारा किया। वह चाहता था कि वे काले शूरवीर के सारे हथियार छीन लें और उसके कवच भी उतार दें। लाश से लगातार एक अंधेरा और उदासी फैल रही थी, जिससे निर्भीक रेगिस्तानी लोग भी डर के मारे कांप रहे थे। हथियार छीनते समय उनके हाथ कांप रहे थे। जब उनमें से 3 ने भारी कवच उतार लिया, तो एक अन्य ने एक चाकू लिया और उसके सन के कपड़े को काट दिया, जिससे शूरवीर की छाती बाहर आ गई। रिचर्ड की अचानक सांस रुक गई। हरे रंग की छाती पर भालू के सिर का जीवंत टैटू था। सिर का निचला हिस्सा काफी गहरा था, जिस पर एक जटिल जादू की सरनी अंकित थी। ये सरनी रिचर्ड के लिए बेहद परिचित थी, वह इसे अपनी आंखें बंद करके बना सकता था। यह एक रून था। रिचर्ड को यकीन था कि फेलोर पर रूनों जैसा कुछ भी नहीं था। भले ही कोई किसी के शरीर पर सफलतापूर्वक जादू की सरनी खींच ले, लेकिन ये दुर्लभ था और केवल शक्तिशाली लोगों पर ही किया जाता था। यहाँ केवल उच्च स्तर के लोगों के पास रूनों को ले जाने की क्षमता थी। फेलोर के जादूगरों को इस अवधारणा के बारे में भी नहीं पता था। उन्हें नहीं पता था कि रून के लिए वहन क्षमता की गणना कैसे की जाती है। ये मूल प्रतीत होने वाले जादू के सिद्धांत नॉर्लैंड में लंबे समय से स्थापित थे। इन्हें 10 से अधिक महान जादूगरों द्वारा तैयार किया गया था, जिन्होंने सदियों तक धीरे धीरे इस कला को निखारा था। रिचर्ड को यह निष्कर्ष निकालने के लिए किसी भी तरह के परीक्षण की आवश्यकता नहीं थी कि इस लाश पर रून इस विमान से नहीं था, और वह 90% निश्चित था कि यह नॉर्लैंड से आया था। ये नॉर्लैंड पर एक मानक रून था, प्राथमिक रक्षा। यह इसे पहनने वाले को होने वाले नुकसान को लगभग 10% तक कम कर देगा। भले ही अन्य विमानों में भी रून शिल्प विरासत हो, लेकिन उनके लिए इस तरह के विवरण में रून की नकल करना संभव नहीं था। फ्लोसेंट भी खड़ा हो गया। रून को देखकर वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। लाश की गंदगी और बदबू रिचर्ड के दिमाग से बहुत पहले ही निकल चुकी थी। उसने योद्धा से चाकू छीन लिया और शूरवीर की पूरी शर्ट काट दी। निश्चित रूप से उसने प्रत्येक हाथ पर एक मानक शक्ति रून देखा। उसकी अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई। शूम पीटर्स का एक भालू रक्षक शूरवीर उसका अवचेतन व्यस्त हो गया। उसके मुंह से निकलने वाले शब्द वास्तव में नॉर्लैंडिक में थे, एक ऐसी भाषा जिसका उसने लंबे समय से उपयोग नहीं किया था। फ्लोसेंट हैरान था। वे एक जैसे दिखते हैं, लेकिन आप कैसे सुनिश्चित हो सकते हैं? कई शूरवीर सैनिक भालू को अपने ट्रेडमार्क के रूप में इस्तेमाल करते हैं। रिचर्ड ने लाश की भुजाओं और छाती की ओर इशारा करते हुए कहा, 2 ताकत रून और 1 रक्षा रून, ये भालू रक्षक शूरवीरों के लिए एक मानक मुद्दा है। फ्लोसेंट को अभी भी कुछ संदेह था। इस शूरवीर का विशेष पालन पोषण हुआ है। उसमें दिग्गजों, बर्बर लोगों और भयंकर भालुओं का खून है। यह पालन पोषण केवल शूमपीट योद्धाओं में ही पाया जा सकता है। मुझे यकीन है कि यह एक भालू रक्षक शूरवीर है। फर्श पर पड़े शूरवीर की लाश को देखते हुए फ्लोसेंट के चेहरे पर एक छाया उभरी। रून शूरवीरों में उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले रून सेट के आधार पर भिन्नता थी, लेकिन रून शूरवीर बनाने की सीमा बहुत अधिक थी। इसने कई कुलीन घरों को रून शूरवीर जैसे शूरवीरों के निर्माण के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर किया, जिनके पास 3 या 4 रून थे। हालांकि ये समूह सच्चे रून शूरवीरों से बिल्कुल भी मेल नहीं खा सकते थे, लेकिन निचली सीमा का मतलब था कि उनमें से बहुत अधिक बनाए जा सकते थे। इसने एक परिवार को केवल प्राथमिक या ग्रेड 2 रूनों का उपयोग करके अपनी शक्तियों को जल्दी से बढ़ाने की अनुमति दी, और इस प्रकार कई शक्तिशाली परिवारों ने ऐसी ताकतें एकत्रित की जो उनके लिए अद्वितीय थीं। शूमपीटर्स के भालू रक्षक शूरवीर इनमें से एक थे। शूमपीटर्स की ताकत उनके रूनों में नहीं थी, बल्कि उनके भालू रक्षक शूरवीरों के सावधानीपूर्वक पालन पोषण में थी।
शूरवीरों को अपार शक्ति और सहन शक्ति का उपहार मिला था, जो उन्हें दिए गए रूनों से बहुत लाभ उठाते थे। अपने विशेष रूप से पाले गए जादुई घोड़ों के साथ भालू रक्षक शूरवीर अपने प्रभारों में अद्वितीय शक्ति के लिए जाने जाते थे। एक संत रून मास्टर के रूप में रिचर्ड को स्वाभाविक रूप से मौजूदा रून संयोजनों की गहरी समझ थी, यहाँ तक कि बियरगार्ड शूरवीरों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले इस सरल लेकिन अनोखे संयोजन की भी। हर बियरगार्ड शूरवीर लगभग 15 स्तर का था, और भले ही वे सच्चे रून शूरवीरों से तुलना नहीं कर सकते थे जो 16 स्तर या उससे ऊपर के थे, शूमपीटर्स के पास 30 से कम रून शूरवीर थे लेकिन बियरगार्ड में 200 के करीब थे। यदि पूरे समूह को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जाए तो शायद ही कोई अंतर होगा, फ्लोसेंड ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा। एक भालू रक्षक शूरवीर यहाँ क्यों दिखाई देगा? रिचर्ड की आंखें सिकुड़ गईं। अगर यह शूमपीटर्स है तो यह कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। अगर उन्होंने बियरगार्ड शूरवीरों को भेजा है तो उन्हें इस विमान के निर्देशांक और ताकत की सीमा के बारे में पता होना चाहिए। सब लोग वहीं रुकें, रिचर्ड ने दहाड़ते हुए कहा। किसी को भी हिलना नहीं है। एक बार जब यह हो गया, रिचर्ड गैंगडोर, वाटरफ्लावर और ट्रॉल्स को साथ लेकर घटना के बाद के निरीक्षण पर निकल आया। बहुत समय बीत जाने के बाद युद्ध के निशान स्पष्ट थे। वे पहले भी बड़ी भीड़ के साथ आए थे, उनके साथ कई घोड़े भी थे। ये बताना मुश्किल होगा कि पहले क्या हुआ था। हालांकि तिरामिसु ने कुछ 100 मीटर दूर एक खुर के निशान की खोज की। लाशों और टूटी गाड़ियों की स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि शूरवीरों ने यहीं से हमला किया था। रिचर्ड ने एक बार उस स्थान का चक्कर लगाया और अनुमान लगाया कि वहां लगभग 70 भालू रक्षक शूरवीर थे। इसके अलावा संरचना के सामने कई पंजे के निशान थे जो एक बड़े जानवर के निशान की तरह लग रहे थे, जो लगभग 10 मीटर लंबा था। क्या तुम जानते हो ये किसने किया? रिचर्ड ने विशाल पंजे के निशान की ओर इशारा किया। फ्लोसेंड ने अपना सिर हिलाया। मैं अपना ज्यादातर समय चर्च में बंद रहकर बिताती हूँ, मैं शायद ही कभी बाहरी लोगों से मिलती हूँ। रिचर्ड ने भौहें सिकुड़ी। चाहे वह कोई भी हो, बियरगार्ड शूरवीरों का नेतृत्व करना कोई आसान काम नहीं था। हालांकि उसे नॉर्लैंड के कुलीन वर्ग के बारे में सीमित जानकारी थी और वह कुछ पंजों के निशानों के आधार पर यह नहीं बता पाया कि वह कौन था। आर्चरन मृत्यु शिविरों की तरह हर दूसरे परिवार के पास शक्ति का अपना गुप्त स्रोत था। रिचर्ड ने फॉस्ट में बहुत कम समय बिताया था और उसने उस समय का अधिकांश हिस्सा इंटरप्लेनर लड़ाइयों के बारे में पढ़ने में बिताया था। उसके पास शूमपीटर्स के पदानुक्रम के बारे में पढ़ने का समय नहीं था। तीन बार उस स्थान का चक्कर लगाने के बाद रिचर्ड गहरी सोच में डूबे हुए मृत शूरवीर के पास लौटा। यह कोई संयोग नहीं है कि शूमपीटर्स इस विमान में हैं। संभावना है कि वे हमारे लिए यहाँ हैं। ऐसा कहने के बाद रिचर्ड ने अर्थपूर्ण भाव से फ्लोसेंट की ओर देखा। अनंत काल और प्रकाश के महान ड्रैगन ने मुझसे इतना उदार बलिदान प्राप्त किया। जब उसने मेरा विमान बदला था तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया, और यह कि अन्य परिवार भी यहाँ आएंगे। फ्लोसेंट ने अपने हाथ फैलाए। अशांत समय प्रवाह का आनंद ड्रैगन से कोई लेना देना नहीं है। जहां तक अन्य परिवारों का सवाल है, आपको ये जानना होगा कि बूढ़ा ड्रैगन एक चालाक और लालची धोखेबाज है। उसके वादों को कभी दिल पर मत लेना। इस मूल्यांकन को सुनकर रिचर्ड की भौहें अनियंत्रित रूप से फड़क उठी। हालांकि उसने उसे बीच में नहीं रोका, इसलिए उसने आगे कहा, महत्वपूर्ण बात यह है, अब हम क्या करने जा रहे हैं? हम और क्या कर सकते हैं? रिचर्ड के चेहरे पर एक काली छाया चमक उठी और वह ठंडे स्वर में बोला, हमें उन्हें मारने का एक तरीका मिल गया है। मुझे एक चाकू दो। पास में ही मौजूद एक रेगिस्तानी योद्धा ने रिचर्ड को एक चाकू दिया और वह लाश के पास घुटनों के बल बैठ गया और चाकू से तीनों रून काट डाले। फिर उसने उन्हें लाश में डाल दिया। ये किस लिए है? फ्लोसेंड ने पूछा। रिचर्ड के इनके उपयोग के बारे में अनिश्चित। रिचर्ड ने अपने हाथ में बॉक्स लहराया। अगर मैं इसमें कुछ बदलाव करूं तो ये रून अभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है, भले ही इसका प्रदर्शन थोड़ा कम हो जाए। फेलोर में इसे किसी और को बेचना अभी भी ठीक रहेगा। ऐसा कहकर रिचर्ड अपने घोड़े पर चढ़ गया और अपनी सेना को इकट्ठा होने के लिए कहा। उसने रेगिस्तान के योद्धाओं को, जो उस भूमि से परिचित थे, युद्ध के मैदान के सभी निशानों को साफ करने के लिए कहा और उन्हें भालू रक्षक शूरवीरों के मार्ग की दिशा में ले गया। पकड़े जाने से बचने का ये सबसे आसान तरीका था। ट्वाइलाइट ओएसिस रक्तरंजित भूमि के रेगिस्तान में सबसे बड़ा ओएसिस था, जो पूरे क्षेत्र में सबसे अच्छा था। बर्बर मैदानों से नीचे बहने वाली दो धाराएं इसके बेसिन में विलीन हो गईं, जिससे एक विशाल झील बन गई। यदि आसपास की उपजाऊ भूमि पूरी तरह से विकसित हो जाती तो यह 100,000 लोगों का भरण पोषण कर सकती थी। हालांकि धन पैदा करने की इस क्षमता ने आसपास की जमीनों को काफी विवादित बना दिया, जिसके परिणामस्वरूप कुछ ही क्षेत्रों का समुचित विकास हो पाया। वे अभी भी भोजन के लिए मुख्य रूप से दूर के मानव राज्यों से आने वाले व्यापारियों पर निर्भर थे। ब्लूवाटर की तरह ही अलग अलग स्तर की शक्ति वाले व्यक्तियों और समूहों का मिश्रण ट्वाइलाइट ओएसिस पर एक साथ शासन करता था। हालांकि ब्लूवाटर के विपरीत यहां पदानुक्रम हमेशा परिवर्तनशील था। कोई स्थिर शक्ति संरचना नहीं थी, नेतृत्व में हर बदलाव के साथ साथ नया खून भी बहता था।
एक सामान्य रात, झील से घना कोहरा उठा और नखलिस्तान के चारों ओर फैल गया। शहर के आसपास के बसे हुए इलाके पूरी तरह कोहरे से ढके हुए थे और वनस्पति वाले इलाकों में स्थिति और भी खराब थी। कुछ जगहों पर 10 मीटर से आगे कुछ भी नहीं देखा जा सकता था। हालांकि ट्वाइलाइट ओएसिस में ऐसा कोहरा एक आम बात थी। घना कोहरा और अंधेरी रात ये हत्या के लिए एकदम सही परिस्थितियां थीं। यही कारण था कि ट्वाइलाइट ओएसिस में जानलेवा स्थितियां आम थीं। जब कोहरा काफी बड़े क्षेत्र में फैल गया तो एक बड़ा काला कवचधारी शूरवीर धीरे धीरे बाहर निकला। वह विशालकाय था। उसके पास एक जादुई शूरवीर और भारी हथियार थे जिससे वह युद्ध के देवता जैसा लग रहा था। ऐसे और भी शूरवीर एक एक करके घने कोहरे से बाहर निकले और युद्ध की अग्रिम पंक्ति में खड़े हो गए। हर एक चुपचाप खड़ा रहा। उसने अपने हथियार जमीन की ओर तान रखे थे। कवच के आपस में रगड़ने की कभी कभार होने वाली चरमराहट के अलावा कुछ और सुनाई नहीं दे रहा था। दो जादूगर शूरवीरों के समूह के बीच से होते हुए समूह के सामने पहुंचे। वे पूरी तरह से जादूगरों के वस्त्रों में ढके हुए थे। उनके सिर पर हुड लगे हुए थे जिससे उन्हें पहचानना असंभव था। 15 मीटर के दायरे में कोहरा अचानक छट गया जब एक बड़ा काला मंटिकोर आसमान से उतरकर चुपचाप शूरवीरों के सामने उतरा। उतरने के बाद वह बेचैनी से उस क्षेत्र का चक्कर लगाता रहा और धीमी आवाज में गुर्राहटें निकालता रहा। इसके प्रकट होने से भालू रक्षक शूरवीर बेचैन हो गए जबकि आसपास के घोड़े भी उत्तेजित हो गए। यहां तक कि शूरवीर भी इन प्राणियों को शांत नहीं कर पाए। मेंटिकोर के ऊपर बैठी सिंक्लेयर ने उसके सिर पर जोर से प्रहार किया। उसकी छोटी मुट्ठी आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली थी। टक्कर से प्राणी का सिर जमीन में धंस गया। मेंटिकोर ने कुछ कठिनाई से अपना बड़ा सिर बाहर निकाला लेकिन उसके बाद भी वह शांत रहा। वह पहले की तरह बेतहाशा घूमने से डरता था। दूर से इमारतों की रूपरेखा को देखते हुए सिंक्लेयर की सांसें तेज हो गईं और उसका चेहरा लाल हो गया। महान जादूगर उसकी शैली से परिचित थे, जानते थे कि इसका मतलब है कि वह फटने वाली थी। उन्होंने जवाब में मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। शूरवीरों और उनके घोड़ों को मजबूत किया। ऐसा लग रहा था जैसे शक्तिशाली जानवरों को एक अतिरिक्त नुकीला दांत दे दिया गया हो। सिंक्लेयर स्पष्ट रूप से अपने दांत पीस रही थी। उसका चेहरा विकृत हो गया था। उसके परिष्कृत और सुंदर चेहरे को इस तरह से विकृत देखना अजीब था जैसे कि उसके दो अलग अलग चेहरे हों। उसने दांत पीसते हुए कहा, ओई तुम कमीने, क्या तुम आज्ञाकारी होकर सुनोगे और विद्रोह नहीं करोगे? वह जादूगरों में से एक ने सावधानी से अपने शब्द चुने, इससे बचना मुश्किल है। माध्यमिक स्तरों पर बहुत सारे मूर्ख हैं। सिंक्लेयर ने अपना सिर जोर से हिलाया। उसकी आंखें लाल होती जा रही थीं और यहां तक कि उसका श्वेतपटल भी पूरी तरह से लाल हो गया था। उसने अचानक खंजर की एक जोड़ी निकाली और एक जोरदार चीख निकाली, जो कोई भी मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत करता है उसे मार डालो, हमला करो। भालू रक्षक शूरवीरों ने एक के बाद एक अपने हथियार उठाए, अपने घोड़ों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और बिना किसी जल्दबाजी के आगे बढ़ गए। वे धीरे धीरे गति बढ़ाते गए, जैसे जैसे वे अपने आक्रमण के शिखर पर पहुंचते गए, शक्ति एकत्रित करते गए। संयुक्त त्वरण अंततः अप्रतिरोध्य शक्ति के साथ फूट पड़ा। उन्हें पूर्ण आक्रमण पर रोकना असंभव था। सिंक्लेयर ने अपनी मंटिकोर को उछाला, हवा में ही अपने केप में खुद को लपेट लिया। वह रात के आसमान में गायब हो गई। जब वह वापस आई तो वह शहर के किनारे पर थी। घुटने टेको, उसने तीखी आवाज में आदेश दिया। गैरीसन का प्रभारी शूरवीर गुस्से में चिल्लाया, हम स्वर्णिम युद्ध ध्वज के हैं, तुम कहां से आए हो? तुम केवल पहले कुछ शब्द ही सुनाई दे रहे थे। जैसे जैसे वह बोल रहा था उसकी आवाज और भी धीमी होती जा रही थी। उसके आखिरी कुछ शब्द रात की हवा में गायब हो गए। वह अपना सिर नीचे करना चाहता था लेकिन ऐसा नहीं कर पा रहा था। दुनिया घूमने लगी, अंततः अंधेरे में लिपट गई। सिंक्लेयर नाइट के पीछे से फिसल गई। उसकी काली टोपी रात के आसमान में लहरा रही थी जबकि उसकी टोपी से हवा के झोंके निकल रहे थे। ये हवा के झोंके अकल्पनीय रूप से तेज थे जो गश्त कर रहे नाइट के सिर को बिना किसी परेशानी के काट रहे थे। सैनिकों के इस मिश्रण से निपटने में उसका चाकू इस्तेमाल करने का कोई इरादा नहीं था। उसकी छवि सड़कों पर हर जगह दिखाई देती और गायब हो जाती और एक पल में वह दूर की इमारतों की परतों में छिप जाती। जहां भी वह दिखाई देती वहां खून खराबा शुरू हो जाता जिससे जमीन पर खून की नदी बन जाती। कोहरे से ढके शहर का लगभग आधा हिस्सा जल्द ही खून से लथपथ हो गया। एक बार फिर आसमान में एक काली छाया उड़ी और मेंटिकोर चुपचाप शहर के बीचों बीच उतरा। उसने अपने सामने की एक इमारत को कुचल दिया और अंदर का कमरा उजागर हो गया। इन क्वार्टरों में दसियों शूरवीर सो रहे थे। इन घटनाओं की तीव्र गति का मतलब था कि उनमें से आधे अभी भी अपने सपनों में थे। केवल दो ही अपने बिस्तर से कूदने के लिए पर्याप्त तेज थे लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें मेंटिकोर की पूंछ से निकलने वाले जहरीले कोहरे के गुबार ने घेर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे इस कोहरे का अपना ही जीवन है। इसने लगभग तुरंत ही पूरे कमरे को अपने घेरे में ले लिया और भाप बनकर संघनित हो गया जिससे कोई भी कोना अछूता नहीं रहा। सभी शूरवीर कोहरे में इधर उधर झूल रहे थे और जल्दी ही जमकर जमीन पर गिर पड़े।
उनके शरीर बेकाबू होकर हिल रहे थे, उनकी त्वचा पर बुलबुले बन रहे थे जैसे कि उनका खून उबल रहा हो। वे जल्द ही पहचान में नहीं आ रहे थे, हड्डियां और मांस पिघलकर उबलते हुए तरल पदार्थ के ढेर में बदल गए जो त्वचा में लिपटा हुआ था। दीवार पर लटकी एक छोटी तलवार अचानक नीचे गिरी और एक शरीर में घुस गई। ऐसा लगा जैसे वह पानी की थैली पर गिरी हो और उसे काट दिया हो, जिससे काले तरल पदार्थ की बाढ़ सी आ गई हो। वह व्यक्ति तुरंत सिकुड़ गया। शहर की सीमाओं पर घोड़ों की टापों की गड़गड़ाहट की आवाज गूंज उठी। ठीक उसी समय भालू रक्षक शूरवीरों ने हमला बोल दिया और व्यापक नरसंहार शुरू कर दिया। शूरवीरों के जाने पर हर जगह ताजा खून और टूटे हुए अंग दिखाई देते थे। नखलिस्तान में बनी इमारतें शूरवीरों के विशाल हथियारों के सामने कुछ भी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे कागज से बनी हों। हिंसक काले शूरवीरों ने सब कुछ नष्ट कर दिया और जो भी अंदर था उसे जिंदा दफना दिया। दो शक्तिशाली संत आमतौर पर ट्वाइलाइट ओएसिस पर नजर रखते थे, लेकिन आज रात शहर में केवल एक ही मौजूद था। खतरे को भांपते हुए वह अपनी नींद से जाग गया और जरूरी लोगों को सचेत करने वाला था, लेकिन वह अपने भाग्य से बच नहीं पाया। जब वह अपने बेडरूम की खिड़की से शहर की ओर देख रहा था और अपने सामने के दृश्य को समझने की कोशिश कर रहा था, तो उसकी गंध अंधेरे में एक लाइट हाउस की तरह थी जिसने सिंक्लेयर को उस दृश्य की ओर आकर्षित किया। वह चुपके से आगे बढ़ी और एक घातक हमला किया। अचानक और त्वरित टकराव में उसने खुद को एक नर्म लेकिन फिर भी स्वादिष्ट दिल हासिल कर लिया था। शक्तिशाली संत की सुरक्षा के बिना ट्वाइलाइट ओएसिस पर हमला एक तरफा नरसंहार बन गया। लड़ाई पूरे एक घंटे तक चली, इससे पहले कि चीजें आखिरकार शांत हो जाएं। हर जगह फर्श पर 1000 से अधिक शव पड़े थे, जिससे पूरे शहर में छाए घने कोहरे में खून की बदबू फैल गई। हालांकि इस कोहरे ने आक्रमणकारियों की तरह ही निवासियों की भी मदद की थी। कई लोगों ने शहर से भागने के लिए इसकी आड़ का इस्तेमाल किया था और रक्तरंजित भूमि के बाकी हिस्सों की ओर निकल गए थे। ट्वाइलाइट ओएसिस में लगभग 10,000 निवासी थे और जब तक प्रतिरोध का पूरा हिस्सा खत्म नहीं हो गया तब तक बियगार्ड शूरवीर थक चुके थे। मेंटिकोर शहर के केंद्र से दहाड़ता हुआ बाहर आया, सिंक्लेयर के सभी सैनिकों को इकट्ठा करने का आह्वान। सभी शूरवीरों ने किसी भी मृत या मरते हुए शिकार को छोड़ दिया और स्थान की ओर अपना रास्ता बना लिया। उसी समय एक जादूगर की जादुई आवाज पूरे शहर में फैल गई, सब लोग अपने हथियार नीचे रख दो, जो भी हथियार के साथ पाया जाएगा उसे वहीं मार दिया जाएगा। हालांकि जादूगर की बातें बेकार थीं। जो लोग समर्पण नहीं करना चाहते थे वे पहले ही मर चुके थे या भाग गए थे। भालू रक्षक शूरवीर एक बार फिर तितर बितर हो गए, घर घर जाकर सभी का पीछा किया और पूरे शहर को चौक पर इकट्ठा किया। विशाल मेंटिकोर को देखने वाला हर कोई बेकाबू होकर कांप उठा। ये प्राणी थंडर लिजर्ड से 3 गुना बड़ा था, जो रक्तरंजित भूमि का सबसे बड़ा जानवर है। महिलाओं में से एक ने बेकाबू होकर चीखना शुरू कर दिया और उसे तुरंत समूह से बाहर निकाला गया और तुरंत मार दिया गया। सिंक्लेयर मेंटिकोर के सिर पर खड़ी थी, मासूमियत से मुस्कुरा रही थी, उसके चेहरे पर अपराध बोध का कोई निशान नहीं था। उसके होंठ चमकीले गहरे लाल थे, खून के समान लाल। उसने अपनी नजर पूरे चौक पर घुमाई, जिससे सभी लोग आग में कांप उठे। उन्हें लगा जैसे वह सीधे उन्हें देख रही थी। मेरा नाम सिंक्लेयर है और आज से मैं तुम्हारा मालिक बन जाऊंगा। तुम्हारा जीवन और मृत्यु पूरी तरह से मेरे हाथों में रहेगी। मुझे शांति, आज्ञाकारिता और सुंदर चीजें पसंद हैं। मुझे खुश करो और तुम जीवित रह सकते हो, थोड़ा सा भी विरोध करने की हिम्मत करो। उसने आलस से अपना हाथ हिलाया और एक साधारण सा दिखने वाला अधेड़ उम्र का आदमी भीड़ से बाहर निकल आया। उसकी छवि मेंटिकोर के ऊपर से चमकती हुई अचानक उस आदमी के पीछे दिखाई दी। अपने चाकू की एक झलक के बाद वह मेंटिकोर के सिर पर वापस आ गई। अब उसके खंजरों पर गाढ़ा चिपचिपा खून लगा हुआ था, जिनमें से एक दूसरे से ज्यादा लंबा था। ऐसा लग रहा था कि उनमें जान है, ब्लेड की धार पर खून बह रहा था। लंबे समय के बाद भी एक भी बूंद नीचे नहीं टपकी, और इसका नतीजा ये होगा। उसने अपने हाथों पर नजर डाली और एक झटके के बाद ताजा खून बहकर काले ब्लेड छोड़ गया। उसने मध्यम आयु वर्ग के आदमी पर घृणा भरी नजर डाली और ठंडे स्वर में बोली, सिर्फ लेवल 13 का कचरा और तुम मेरे साथ चाले चलने की हिम्मत कर रहे हो। अधेड़ उम्र का आदमी फर्श पर गिर पड़ा, कुछ देर तक उठ नहीं पाया। उसे अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को सहारा देने में बहुत कठिनाई हुई। उसने सिंक्लेयर की ओर हिलती हुई उंगली दिखाई, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। उसके चेहरे पर अचानक एक लाल रेखा दिखाई दी, उसका शरीर 4 टुकड़ों में बिखर गया और खून और अंग फर्श पर गिर गए। कुछ लोग अभी भी उनके पास आ गए थे, लेकिन मौत की आशंका के चलते उन्होंने अपने मुंह बंद कर लिए ताकि वे रो न सकें। सिंक्लेयर की नजर उन कुछ लोगों पर पड़ी, लेकिन उसने आगे कोई कार्रवाई नहीं की। केवल 2 जादूगरों को पता था कि यह दया नहीं थी, बस आलस्य था। अब उसके लिए आनंद लेने और खुद का मनोरंजन करने का समय था। तुम यहां से बाहर निकल जाओ। सिंक्लेयर ने एक एक करके 20 लोगों को बाहर निकाला और उसके निशाने पर आए लोगों ने बिना समय गनवाई लाइन में आकर खड़े हो गए। वे सभी डर से कांप रहे थे।
चुने गए सभी लोग युवा और सुंदर थे, पुरुषों और महिलाओं की संख्या बराबर थी। कम संख्या को देखकर जादूगरों को पता चल गया कि सिंक्लेयर कत्लेआम से थक गई है। हालांकि वह अब खुद को खुश करना चाहती थी, लेकिन वह ज्यादा नहीं करना चाहती थी। उसने बेतरतीब ढंग से इलाके में एक भव्य ऊंची इमारत की ओर इशारा किया और बियरगार्ड शूरवीरों को हॉल साफ करने के लिए कुछ लोगों को वहां ले जाने को कहा। फिर उसने उन लोगों पर चिल्लाया जिन्हें उसने चुना था, नंगे हो जाओ। कुछ देर के लिए युवक झिझके। हालांकि उनमें से किसी ने भी सिंक्लेयर की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की, फिर भी पूरे शहर के लोगों के सामने नग्न होना उनके लिए कठिन था। झिझक के उस क्षण में एक जादूगर ने अपनी उंगलियों से एक रहस्यमय मिसाइल चलाई जो सीधे एक युवती पर लगी जो पूरी तरह से स्थिर खड़ी थी और उसे गठन से बाहर कर दिया। बगल में खड़े भालू रक्षक शूरवीरों ने अपने विशाल हथौड़ों को घुमाया, युवती को कुचलना शुरू कर दिया। यह ऐसा था जैसे किसी फल को कुचला जा रहा हो जिससे खून और मांस लाइन में खड़े युवकों पर उड़ रहा हो। इससे वे तुरंत चीखने लगे, चुप रहो। जादूगर के शब्दों ने अधिकांश पुरुषों और महिलाओं को चुप करा दिया, लेकिन दो युवतियां खुद को रोक नहीं पाईं। इसलिए उन्हें भी लाइन से बाहर खींच लिया गया और उनका गला काट दिया गया। हमारी मालकिन में धैर्य नहीं है और उसे शोर पसंद नहीं है। तुम्हें बस इतना करना है कि हर आदेश को ध्यान से सुनना है और जैसा कहा जाए वैसा ही करना है। अब कपड़े उतारो, अगर तुम फिर भी नहीं उतारती तो हम एक नया बैच चुनेंगे। जादूगर की आवाज उत्तरी हवा की तरह ठंडी थी। अगर एक नया बैच चुना जाता तो इस बैच के बाकी सदस्यों का भी वही हश्र होता जो तीन युवतियों का होता। चौक पर तुरंत सन्नाटा छा गया। अब कोई प्रतिरोध नहीं था, कोई विरोध नहीं था और भागने की कोई कोशिश भी नहीं थी। फिर सिंक्लेयर ने कमी को पूरा करने के लिए तीन और युवतियों को चुना और इस बार युवकों ने जितनी जल्दी हो सके अपने कपड़े उतार दिए। फिर वे अपने भाग्य का इंतजार कर रहे थे, पूरे समय कांप रहे थे। इस समय तक हॉल खाली हो चुका था। सिंक्लेयर ने अपने सभी नंगे खिलौनों को अंदर खदेड़ दिया और शरारती ढंग से हंसने लगी। उसने अपने सारे कपड़े भी उतार दिए और जो थोड़ा काला कवच उसके पास था उसे सड़क पर छोड़ दिया और बड़े हॉल में चली गई। उसने अपने आसपास देखा और फिर एक खूबसूरत युवक की ओर उंगली उठाई, तुम यहाँ आओ और मुझे अपने सारे हुनर दिखाओ। सुनिश्चित करो कि मैं इसका आनंद उठाऊं, कोई चाल मत चलो, अभी करो। उसकी डांट सुनकर युवक का दिमाग अचानक से खाली हो गया और अत्यधिक घबराहट की स्थिति में उसका पुरुषत्व स्वाभाविक रूप से मुरझा गया। सिंक्लेयर तुरंत क्रोधित हो गया। उसने अपना हाथ उसके सीने में मारा, एक ही बार में उसका दिल कुचल दिया। उसके हाथ की एक लहर से उसका शरीर उड़ गया और शहर के चौराहे के बीच में जा गिरा। उसकी तीखी दहार दरवाजे से सुनी जा सकती थी, बेकार का कूड़ा। फिर उसने एक कमजोर युवती को पकड़ लिया, बेरहमी से उसके कान पर दो थप्पड़ मारे जिससे उसके मुंह और नाक से खून बहने लगा। फिर उसने उसे फर्श पर पटक दिया और उसके ऊपर चढ़ गई। फिर एक कांपता हुआ युवक उसके इशारे पर आगे बढ़ा और पीछे से उसके पीछे से चिपक गया। पलक झपकते ही हॉल के अंदर का माहौल बदहवास हो गया और खून की बदबू से भर गया। तभी चौराहे पर जमा लोगों को तितर बितर होने दिया गया। दो जादूगरों ने उन इलाकों में गश्त करना शुरू कर दिया जहां हिंसक झड़पें हुई थीं और हालात का जायजा लिया। सिंक्लेयर द्वारा संत की देखभाल किए जाने के बावजूद ट्वाइलाइट ओएसिस के पास 1000 से ज्यादा योद्धा थे जिनमें उच्च स्तर के योद्धाओं की कोई कमी नहीं थी। इस तरह लड़ाई काफी कठिन थी। उनमें से 5 लोग युद्ध में मारे गए थे। उन्होंने शहर के एक कोने में एक और शूरवीर को देखा जो उठने में असमर्थ था। उसके शरीर में 2 लंबे भले और 1-2 हाथ वाली तलवार फंसी हुई थी और उसकी पीठ में एक भयानक छेद था जिससे उसके कुछ अंदरूनी अंग बाहर आ रहे थे। जिस जादूगर ने उसे पाया उसने उसकी चोटों का निरीक्षण किया, अंततः अपना सिर हिलाया। इस प्रकार एक अन्य भालू रक्षक शूरवीर आया और उसने घायल शूरवीर का गला काटने के लिए खंजर का इस्तेमाल किया जिससे उसकी पीड़ा समाप्त हो गई। अब केवल 64 भालू रक्षक शूरवीर बचे। जादूगर ने आह भरी, विदेशी विमान में पैर जमाना सबसे क्रूर हिस्सा होता है। शुरुआत में उचित संचार माध्यमों और पुजारी के जादू के बिना जमीन का हर मीटर सिर्फ जान और सोने की बलि देकर ही हासिल किया जा सकता था। अगर वे अभी भी नॉर्लैंड में होते तो शूरवीर की जान बच सकती थी। हालांकि वे इस विमान में सिर्फ उसे मरते हुए देख सकते थे। एक पुजारी किसी दूसरे धर्म के अनुयायी को ठीक करने के बजाय मरना पसंद करेगा और एक प्लेनर घुसपैठिए को तो और भी कम। हर सच्चे भगवान ने अपने अनुयायियों से यह वादा किया था अगर कोई घुसपैठिए के हाथों मर जाता है तो उसे भगवान के दिव्य साम्राज्य में प्रवेश करने का अधिकार मिलेगा। पिछले पापों और आस्था की परवाह किए बिना उनकी आत्मा को अनंत जीवन दिया जाएगा। इन भक्तों को यह एहसास नहीं था कि सिंक्लेयर के हाथों मरने से उनकी आत्माएं मुक्त नहीं होंगी। नहीं, वे केवल उसके मेंटिकोर का भोजन बन गए। सिंक्लेयर को उस हॉल से बाहर आने में 2 दिन और 2 रात लग गए जो खून और अन्य तरल पदार्थों से भरा हुआ था। आखिरकार उसका मौज मस्ती से छुटकारा हो गया। उसके पूरे शरीर पर काली लपटें जल उठी जो उस पर लगी सारी गंदगी को जलाकर राख कर रही थी। यह आत्मा की आग थी जिसमें कल्पना से कहीं ज्यादा शक्ति थी।
और हॉल में पड़ी लाशों की संख्या को देखते हुए ये कहना बेकार था कि इन लपटों को किसने भड़काया। आत्मा की आगाम तौर पर रंगहीन होती है, लेकिन सिंक्लेयर के दाग के कारण ये लपटें एक अथाह काली थीं। जब सिंक्लेयर अपने कपड़े पहन रही थी और एक बार फिर से अपना कवच पहन रही थी, तो दो जादूगर जो अपना काम पूरा कर चुके थे एक तरफ खड़े हो गए। उन्होंने उसके मोहक शरीर को देखने से परहेज नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखा और उसे जानबूझकर नहीं देखा। उनमें से एक ने नक्शा खोला, हमें इस छापे से कई नक्शे मिले हैं। मैंने पहले ही रक्तरंजित भूमि में महत्वपूर्ण स्थानों को चिन्हित कर लिया है, कृपया एक नज़र डालें। सिंक्लेयर ने सहमति में बड़बड़ाया। उसने नक्शे को स्कैन किया, एक जगह की ओर इशारा करते हुए जिसे नखलिस्तान के रूप में चिन्हित किया गया था। ऐसा लगता है कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, चलो अब वहाँ चलते हैं। हम कितने लड़ाके इकट्ठा कर सकते हैं? हमारे प्रारंभिक अनुमान के अनुसार लगभग 500 लोग सैनिक बनने के योग्य हैं, दूसरे जादूगर ने उत्तर दिया। सिंक्लेयर ने सिर हिलाया, उन्हें एक एक हथियार और कवच का एक सेट दो। हम नहीं, आधा सेट ही काफी होगा और उन्हें पीछे आने दो। अरे रुको, 500 बहुत कम है, जो कोई भी चल सकता है उसे हथियार दो, हम कल सुबह एक नए नखलिस्तान को जीतने के लिए निकलेंगे। वे पहली पंक्ति में होंगे। दोनों जादूगरों ने एक दूसरे को देखा और उनमें से एक बोला, अगर हम इसी तरह से काम करते रहे तो जल्द ही हम पूरे विमान के दुश्मन बन जाएंगे। हाँ, क्या आप ये कह रहे हैं कि आप इस विमान में दोस्त बनाने आए हैं? सिंक्लेयर ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। मेरा मतलब यह नहीं था मेरी लेडी, ये वह विमान नहीं है जिसे हम देखने जाना चाहते थे, और इसके रैंक वाले लोग बहुत शक्तिशाली हैं। ऐसी अफवाह है कि यहाँ पौराणिक प्राणी भी हैं, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते। हमें पता चला है कि इस विमान में जितने देवता हैं उससे कहीं ज्यादा देवता हैं जिनकी हमने कल्पना की थी। अगर हम विमान के पावर हाउस द्वारा पकड़े गए तो जादूगर ने अपनी बात पूरी नहीं की, लेकिन संदेश स्पष्ट था। नॉर्लैंड के अमीर और शक्तिशाली परिवार जिनके नाम पर तैरते हुए द्वीप हैं, उन सभी के बीच पौराणिक प्राणी थे जो उन पर हमला करने वाले किसी भी अन्य व्यक्ति को रोकते थे। लेकिन यह नॉर्लैंड नहीं बल्कि एक अलग विमान था। अगर यहाँ कोई पौराणिक प्राणी दिखाई देता तो सभी मर जाते। पौराणिक शक्तिशाली 18वें स्तर पर, वाह, ये तो उनके संतों जैसा ही है। वे इतनी कम शक्ति का बखान करते हैं, मुझे नहीं पता कि उन्होंने खुद को ऐसा कहलाना कहां से सीखा, सिंक्लेयर ने मजाक करते हुए कहा, जैसे कि यह कोई समस्या ही नहीं थी। दूसरे जादूगर ने भी उसे समझाने की कोशिश की, मेरी लेडी, हमारा मूल उद्देश्य रिचर्ड से छुटकारा पाना था। अब जब हम एक अपरिचित विमान पर आ गए हैं तो हम इसे एक तरफ रख सकते हैं। यह एक परिपक्व विमान है जो संसाधनों में प्रचुर है, नॉर्लैंड के समान ही है। अब हमारी भूमिका अग्रणी होने की है। जब तक हम सुरक्षित रूप से नॉर्लैंड लौटते हैं और उन्हें इस विमान के निर्देशांक देते हैं, यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। अगले 10 या इतने सालों में शंपीटर्स की ताकत बहुत बढ़ जाएगी और अंततः आपकी स्थिति भी इसके साथ बढ़ेगी। इस विमान के पावर हाउस से छुटकारा पाना हमारा काम नहीं है, हमें परिवार के रूढ़ शूरवीरों को इसका ध्यान रखने देना चाहिए, सिंक्लेयर ने घुरघुराते हुए कहा, उसके चेहरे पर उदासी छा गई। तो आप कह रहे हैं कि मुझे सिसली को इस जगह पर विजय प्राप्त करने देना चाहिए? जादूगर का शरीर कांप उठा और उसने तुरंत जवाब दिया, अगर वह ऐसा करती भी है तो भी मेरी लेडी, आपका योगदान उससे कहीं ज्यादा होगा। एक नया विमान खोजना सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसके अलावा अगर वह इसमें खराब काम करती है तो उसके पास कोई सहारा नहीं होगा। सिंक्लेयर समझ गई कि जादूगर ने जो कुछ भी कहा था वह सच था। उसका चेहरा कम खतरनाक हो गया, लेकिन उसकी उंगली जिद्दी होकर नक्शे पर नखलिस्तान की ओर इशारा करती रही, ये जगह दिलचस्प लग रही है। हम मूल योजना का पालन करेंगे और कल निकलेंगे, हम इस जगह को नष्ट कर देंगे। दूसरे जादूगर ने कुछ देर तक विचार किया, अंततः बोलने का फैसला किया, महाराज, वह नखलिस्तान इसी नखलिस्तान के बराबर है। अगर हम युद्ध शुरू करते हैं तो हमें भालू रक्षक शूरवीरों को तैनात करना होगा। अभी आपके नियंत्रण में बहुत से शूरवीर नहीं हैं और हमारे पास कोई पादरी भी नहीं है, कृपया इस पर जल्द से जल्द विचार करें, सिंक्लेयर ने अधीरता से हाथ हिलाते हुए कहा। बस, मुझे पहले से ही पता है, उनमें से कुछ ही मरे हैं, वैसे भी बड़ी बात क्या है, उन बूढ़े बदमाशों से दूर रहना आसान नहीं था, बेशक मुझे जश्न मनाना होगा और खुद का आनंद लेना होगा। आखिरकार मैं जितने अधिक लोगों को मारती हूँ मेरा बच्चा उतना ही मजबूत होता जाता है। इस ग्रह के लोगों को बहुत गंभीरता से मत लो, वे सभी बर्बर हैं, उन्होंने कभी रूनों के बारे में भी नहीं सुना है, उनके पास किस तरह की शक्ति हो सकती है। मैंने अभी अभी एक ऐसे व्यक्ति को मार डाला जो खुद को संत कहता था और वह केवल 16 स्तर का था। इतना बोलना बंद करो, मुझे पता है कि क्या हो रहा है, जब 40 से कम बचेगा तो मैं गंभीर हो जाऊंगी। दोनों जादूगर असहाय हो गए, उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा सिवाय इसके कि वे चर्चा से पहले जो कर रहे थे उसी में लौट जाएं। सिंक्लेयर जिस रास्ते पर जाने वाला था उसके दक्षिण की ओर रिचर्ड अपने सैनिकों को उत्तर की ओर ले जा रहा था। वे पहले ही रक्तरंजित भूमि के उत्तरी भाग में प्रवेश कर चुके थे।
रात होने पर उन्होंने शिविर लगाने और आराम करने के लिए हवा से सुरक्षित जगह चुनी। रिचर्ड ने अपना नक्शा निकाला, जादुई रोशनी में चीजों के बारे में सोचते हुए। नक्शे पर दो रास्ते चिन्हित थे, एक वह जिस पर वह जा रहा था और दूसरा वह जो शिम्पीटस के रास्ते का पता लगा रहा था। उन्होंने उत्तर से दक्षिण तक भालू रक्षक शूरवीरों के निशानों का अनुसरण किया और खोज के लिए कुछ प्रमुख क्षेत्रों की परिक्रमा की। भालू रक्षक शूरवीर काफी विशिष्ट थे, उनके घोड़े अपने खुरों के नीचे चट्टानों को कुचलते थे, इसलिए 10 दिन से अधिक समय बीत जाने के बाद भी उनकी उपस्थिति के निशान खोजना संभव था। उन्होंने वर्तमान में ज्ञात मार्ग को दक्षिण की ओर बढ़ाया, जो ट्वाइलाइट ओएसिस के पास समाप्त हुआ। इससे भी आगे दक्षिण में साक ओएसिस और साल्टवाटर वैली थे, दोनों पर विभिन्न जातियों का मिश्रण था। उत्तर की ओर उसे पहले से ही 3 क्षेत्र मिल चुके थे जिन्हें भालू रक्षक शूरवीरों ने नष्ट कर दिया था, और साथ ही एक कारवां के अवशेष भी मिले थे। शूम्पिटर्स ने एक भी व्यक्ति को जीवित नहीं छोड़ा था, बसे हुए क्षेत्रों में सामूहिक हत्या के निशान थे। उनके रास्ते में 5 मृत शूरवीर थे, जिससे रिचर्ड को 7 और रून प्राप्त करने में मदद मिली। बाकी रून या तो युद्ध में नष्ट हो गए थे या अपने मालिकों के साथ पहचान से परे सड़ गए थे। उसने दक्षिणी मार्ग पर नजर डाली, ये समझते हुए कि वहां के 3 बसे हुए स्थान इतने भाग्यशाली नहीं होंगे कि वे अपने विश्वास से बच सकें। हालांकि ट्वाइलाइट ओएसिस और साक ओएसिस दोनों ही काफी मजबूत थे और शक्तिशाली संत उन पर नजर रख रहे थे। भले ही इस विमान के संत नॉर्लैंड की तुलना में 2 स्तर नीचे हों, लेकिन भालू के रक्षक शूरवीर बिना लड़ाई के ओएसिस पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। जितने ज्यादा ये भालू के रक्षक शूरवीर कमजोर होते, रिचर्ड उतना ही सुरक्षित होता। उसे इस विमान के सैन्य बलों की तुलना में नॉर्लैंड के इन हथियारों की ज्यादा चिंता थी। फ्लोसेन रिचर्ड के पास बैठ गई और नक्शे को भी देखने लगी। फिर उसने उत्तर की ओर इशारा किया, एक बार जब हम इस बिंदु पर पहुंच जाएंगे तो हम रक्तरंजित भूमि को छोड़ देंगे और लौह त्रिभुज साम्राज्य की सीमाओं पर पैर रख देंगे। उनके पास बहुत ताकत है, लेकिन वहां के कई रईसों में एक दूसरे के साथ संघर्ष है। यहां तक कि शाही परिवार भी सामंजस्यपूर्ण नहीं है। इसके अलावा उनका क्षेत्र इतना विस्तृत है कि सीमाओं पर नियंत्रण बेहद ढीला है। और यहां देखो, ये जंगलों से भरा एक पहाड़ी क्षेत्र है जो दूर तक फैला हुआ है, और यहां मानव निवास का कोई निशान नहीं है। शिम्पीटस का बेस शायद इसी जगह पर कहीं था। बहुत संभावना है, रिचर्ड ने सिर हिलाया, लेकिन हमारे द्वारा समय का एक लाइटहाउस खोजने की संभावना बहुत कम है जो अभी भी वहां जल रहा है। मुझे लगता है कि शिम्पीटर हमारी तरह ही खो गए थे, अन्यथा वे बियगार्ड शूरवीरों के बजाय उचित रून शूरवीरों को भेजते। बियगार्ड शूरवीर केवल 16 या 18 स्तर पर सीमित निम्न विमानों को साफ करने के लिए उपयुक्त हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह अभी भी जल रहा है या नहीं। अगर बेस हमारे जैसे स्पेस टाइम में खो गया होता तो यह और भी बेहतर होता। वहां समय की शक्ति की एक बड़ी मात्रा जरूर बची होगी, जिसकी मुझे इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है। एक बार जब हम बेस पा लेंगे तो मुझे यकीन है कि मैं लेवल 10 तक आगे बढ़ सकता हूं। उस पल मेरा खिताब भी बढ़ जाएगा। आपका शीर्षक डेब्रेक। मुझे नहीं पता था कि अनंत ड्रैगन से प्राप्त शीर्षक में विशेष क्षमताएं होती हैं। रिचर्ड बहुत आश्चर्यचकित था। उसने शुरू में सोचा था कि यह शीर्षक केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए था, जैसे कि इतिहास में सम्राटों या अन्य राजाओं को दिया जाता है। बिल्कुल नहीं, अनंत काल और प्रकाश का ड्रैगन इतना मूर्ख नहीं है, फ्लोसेन ने मुस्कुराते हुए कहा। रिचर्ड ने भौहें सिकोड़ते हुए जवाब दिया, कुछ समय पहले किसी ने मुझसे कहा था कि यह एक अविश्वसनीय लालची ड्रैगन है। वास्तव में, लेकिन पुराना अजगर मूर्ख नहीं है। बूढ़े ड्रैगन फ्लोसेन, मुझे वास्तव में आपके धर्म के प्रति आपकी भक्ति पर संदेह है। आप पादरी कैसे बन गए? भले ही वे पहले से ही एक बिस्तर साझा कर चुके हों, रिचर्ड को पता चला कि वह भी इस लड़की को जानना शुरू कर रहा था। ऐसा नहीं है कि अनंत ड्रैगन को आपकी आस्था की परवाह है, उसे तो बस भेद चाहिए। और आपका शीर्षक, एक उपाधि कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ प्रतिभा और क्षमता की स्वीकृति है। अगर उपाधि वाला व्यक्ति उस चीज को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त पेशकश नहीं कर सकता है तो यह उपाधि शून्य हो जाएगी। इसलिए आपको कड़ी मेहनत करने की जरूरत है रिचर्ड, मैं आप पर निर्भर हूँ। सचमुच? रिचर्ड आश्चर्यचकित था। बिल्कुल नहीं, फ्लोसेन हल्के से मुस्कुराया। फ्लोसेन, रिचर्ड ने हताशा में गुर्राहट के साथ कहा। चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में, वह उसे बहका रही थी और अपनी हताशा को बाहर निकालने का एकमात्र तरीका इस युवती को नीचे गिराना था। उसने उसे निराश करने का हर एक मौका लिया। एक गहन युद्ध के बाद रिचर्ड कंबल पर लेट गया और उसकी सांसें फिर से सामान्य हो गईं। दूसरी ओर फ्लोसेन एक बिल्ली की तरह उसकी बाहों में सिमट गया। वह सिर्फ अपनी हताशा नहीं निकाल रहा था, उसने पिछले कई दिनों में बहुत थकान और तनाव जमा कर लिया था। अभी उसका शरीर खोखला और थका हुआ महसूस कर रहा था, मानो उसकी अस्थियां निकाल ली गई हों, लेकिन उसका मन अब शांत था। जैसे जैसे उसका तनाव कम होता गया, उसके विचार स्पष्ट होते गए। वह झल्लाते हुए बोला, सोचिए, उन्होंने 70 से ज्यादा भालू रक्षक शूरवीरों को भेजा है। शूम्पीटर्स ने अपनी पूंजी के साथ वाकई बहुत कुछ किया है।
ऐसा नहीं लगता कि एक परिवार अकेले इतनी पूंजी जुटा सकता है। नहीं, मैं यह नहीं कह रहा कि शूम पीटर्स के पास ऐसा करने के लिए संसाधन नहीं है, लेकिन अपनी शक्ति का विस्तार करने के बजाय संभावित खतरे पर इतना खर्च करना निरर्थक होगा। हालांकि, अगर यह कुछ परिवारों के बीच सहयोग था तो यह पूरी तरह से अलग मामला होगा। प्रत्येक परिवार अकेले इतना कुछ नहीं निकालेगा, इसलिए इसका कोई गंभीर प्रभाव नहीं होगा। सिर्फ मुझसे निपटने के लिए क्या ये जरूरी है? रिचर्ड ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। यदि यह भविष्य के संत रूनमास्टर को खत्म कर सकता है तो यह निश्चित रूप से आवश्यक होगा। रिचर्ड ने एक बार फिर अपनी भौहें सिकुड़ी और चुप हो गया। उसे पहले से ही यकीन था कि 12वें स्तर पर पहुंचने के बाद वह एक ग्रैंड रनमास्टर बन जाएगा। जहां तक संत रनमास्टर बनने की बात है, अगर वह सेवेजरी ऑफ डार्कनेस सीरीज का दूसरा सेट पूरा कर लेता है तो उसे इस रास्ते पर चलने के लिए बुनियादी जरूरतों को पूरा करने वाला माना जा सकता है। अगर कोई इस तरह से सोचता है तो वह वाकई बहुत मूल्यवान था। हर विमान पिरामिड की तरह बना था। शीर्ष पर बैठे लोगों के पास सबसे ज्यादा संसाधन थे और हर स्तर पर पदों की संख्या पत्थर की लकीर थी। एक व्यक्ति की स्थिति दूसरों के सापेक्ष ही थी। अगर कोई आगे बढ़ना चाहता था तो वह सीढ़ी चढ़ते समय दूसरों को रौंद सकता था। हालांकि अलग अलग लोगों के लिए तरीके अलग अलग थे, लेकिन कुल मिलाकर प्रभाव एक ही था। रिचर्ड ने आह भरी। उसे भी ये सच्चाई समझ में आ गई थी। हालांकि वह दूसरों को रौंदने के बजाय खुद को सशक्त बनाने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन हर स्तर पर पद निश्चित थे, जैसे कि फॉस्ट के तैरते हुए द्वीप। उसका हर कदम किसी और को रौंदने के लिए निश्चित था, चाहे उसका इरादा ऐसा हो या न हो। उसे थकान की एक लहर महसूस हुई, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और नींद में सो गया। अगली सुबह रिचर्ड ने अपने सैनिकों का नेतृत्व किया और अपनी यात्रा जारी रखने के लिए निकल पड़े। उन्हें चिन्हित क्षेत्रों में भालू रक्षक शूरवीरों के निशान मिले, लेकिन उन्हें उत्तर की ओर जाने की कोई जल्दी नहीं थी। कई किलोमीटर पूर्व में गोल्डन वॉयफ्लेक का एक आपूर्ति शिविर था। रिचर्ड ने शिविर के प्रभारी व्यक्ति को कुछ पत्र सौंपे, जिसमें उन्हें ब्लूवाटर ओएसिस वापस लाने के लिए एक कारवां की मांग की गई थी। एक पत्र मार्विन को लिखा गया था, जिसमें उनसे अनुरोध किया गया था कि वे सिकोया साम्राज्य की सीमा पर स्थित चर्चों से विदेशी आक्रमणकारियों को दबाने के लिए रक्तरंजित भूमि में सेना भेजने का आग्रह करें। बाकी पत्र ब्लूवाटर में उन बलों के एजेंटों को लिखे गए थे जिनसे वे परिचित थे, जिनमें डेविन और अमोन शामिल थे। उन्होंने उल्लेख किया कि उन्हें रक्तरंजित भूमि के मध्य उत्तर में आक्रमणकारियों के निशान मिले हैं और ये हिंसक और शैतानी घुसपैठिए दक्षिण की ओर बढ़ रहे थे। ये संभव था कि वे ब्लू वाटर तक भाग जाएं, इसलिए वह चाहते थे कि ये पुराने दोस्त नुकसान से बचने के लिए अपने निवारक उपायों को आगे बढ़ाएं। उन्होंने बियरगार्ड शूरवीरों की कुछ विशिष्ट विशेषताओं का भी विस्तार से वर्णन किया। उनका मानना था कि एक बार जब उनके प्राप्तकर्ता अपने पत्र पढ़ लेंगे तो ये खबर तेजी से फैल जाएगी। तब बियरगार्ड शूरवीरों को न केवल बिखरे हुए प्रतिरोध और जल्दबाजी में किए गए हमलों का सामना करना पड़ेगा, बल्कि कुलीन सैनिकों और अच्छी तरह से प्रशिक्षित योद्धाओं का भी सामना करना पड़ेगा। इस विमान के शक्तिशाली लोगों की निगाहें उनकी ओर खींची चली आएंगी, जिससे वे रिचर्ड जैसी छोटी और कमजोर हमलावर सेना को नजरअंदाज कर देंगे। जहां तक बैरन फोर्जा की बात है, अगर वह कुछ समय के लिए खुद को प्रकट नहीं करता तो उसके जैसे लोग बस यही सोचते कि वे किसी जादुई जानवर के पेट में भोजन बन गए हैं। आखिरकार वीरता के देवता की भविष्यवाणी ने उन्हें केवल एक महत्वहीन शक्ति के रूप में आंका था। ऐसी क्षमता वाले किसी व्यक्ति से निपटने के लिए केंद्रीय चर्च की सेनाओं को भेजना भी उचित नहीं था। रिचर्ड को इस समय बस समय की जरूरत थी। ब्लडस्टैंड लैंड्स में नॉरलैंड की दो टुकड़ियां एक दूसरे से टकराने से पहले ही धीरे धीरे एक दूसरे से दूर हो गईं। अगला एपिसोड सुनने के लिए चैनल पर बने रहिए।